हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। तो तैयारी करने से पहले गत वर्ष में बोर्ड द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो जानना जरूरी है। उसके बाद ही आगे की स्मार्ट रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। ये 2018 की भर्ती है, एग्जाम लगा था इसका 2021 में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर में। ये 10 से लेकर 12 शुरू के क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। नेक्स्ट, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे किस पुरस्कार के विजेता हैं? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर में। तो आप देख लीजिए, करंट भी अच्छे से करनी है। 10 से 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक से जाएगा, नीति आयोग ने। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक से जाएगा, भारत ने। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 को किस संस्थान ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DRDO ने। नेक्स्ट, IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्सटाइल यानी वस्त्र से। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखाकार परीक्षक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया हुआ किस देश से खरीदा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, फ्रांस से। अब आप देख लीजिए, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर भी अच्छे से करनी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट, COVID-19 संक्रमण के बचाव के टीके को किस तापमान पर रखा जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। नेपा उद्योग इसके लिए प्रख्यात है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अखबारी कागज उद्योग के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH44। नेक्स्ट,
1.50 हज़ार के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.05 किलोमीटर। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम में जमाना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर नागौर, फिर टोंक, यानी ABC दिए जो सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूतान नामक शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, गुरु सीकर। नेक्स्ट, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रमुख प्रचुर भंडार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेतड़ी में। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो चोकला भी है। इससे पहले क्वेश्चन और एक अतीस वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोवाई बांध पाली में सही है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में सही है, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में सही है, बजाज सागर बांध डूंगरपुर, ये गलत है क्योंकि बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो चोकला भी है, पोगल भी है, मगरा भी है, लेकिन बर्बरी नहीं है, ये बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जोड़ा बनाए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो पक्षी अभयारण्य है, ये है केवला देघना, और बाघ है रणथंभौर, काला हिरण अभयारण्य है तालछापर। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए का बी सी का ए का बी दो का ए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी सी ए। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री गंगानगर में। नेक्स्ट, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय?
तोरिया सरसों ये भी रबी फसल है, तारामीरा ये भी है, अलसी ये भी है, लेकिन मूंगफली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में मिट्टी यानी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा मोलेला। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान की कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा रिको। नेक्स्ट, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोक जैसलमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा भामाशाह योजना। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सॉरी बी डी हो जाएगा जयपुर की। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, तो रणथंबोर किला है, चित्तौड़गढ़ किला भी है, कुंभलगढ़ किला भी है, लेकिन तारागढ़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कान्हा प्रबंध किसके द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद्मनाथ के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने का महीने का जोड़ा सही नहीं है, तो खाटू श्याम मेला फाल्गुन में सही है, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा सही है, बाबा रामदेव का मेला श्रावण मास गलत है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी सी हो जाएगा कालबेलिया। नेक्स्ट, निम्न में से सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी आमेर शैली भी आती है, ढूंढाड़ चित्रकला शैली में जयपुरी भी है, उनियरा भी है, लेकिन बूंदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बाबूजी की पढ़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा रावण हत्या का। नेक्स्ट, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैराट। नेक्स्ट, राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी को। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउंट आबू में। नेक्स्ट, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यावर। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा बाबूजी को।
नेक्स्ट, पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख्याल। नेक्स्ट, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मेवाड़ी। नेक्स्ट, दमना एक गहना है जो पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा उंगली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रस्तुत है और उनके वर्ष से सही जोड़े से सही सुमेलित है? तो अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, सही है, और दिलवाड़ा शिलालेख 1216 का गलत है, कुंभलगढ़ प्रस्तुति 1460 की सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक व तीन सही है। नेक्स्ट, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल क्रम अनुसार बताना है। तो सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ, फिर खानवा का, फिर हल्दीघाटी का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3-2-1। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राणा कुंभ द्वारा। नेक्स्ट, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासन शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करौली में। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नसीराबाद से। नेक्स्ट, गुप्त सैन्य संगठन वीर वारसभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोपाल सिंह करवा और केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट, ट्रेंड्स कमीशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट, राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 मार्च को। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल पर विचार कीजिए, इनकी स्थापना के अनुसार सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में किशनगढ़ की, फिर बांसवाड़ा की। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3-1-2। नेक्स्ट, राजस्थान का एक किरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 चरणों में। नेक्स्ट, कुछ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भील जनजाति के घर से। नेक्स्ट, देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के प्रारंभ करने वाला राजस्थान था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रथम राज्य। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री सात सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, नारी सशक्तिकरण से। अगला, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व के रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट, जोड़ों को मिलाना है पशु प्रजनन केंद्र है और नस्ल है? तो डग, ये मालवी मालवी नस्ल की प्रजनन केंद्र है। चंदन थारपारकर और नौ में राठी का। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, सी बी ए। नेक्स्ट, सेकाउटी बिग्रेड मुख्यालय, सेकाउटी बिग्रेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झुंझुनू में। ये राजस्थान जीके के 75 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 से लेकर 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और कुछ क्वेश्चन राजस्थान के भारत का भूगोल से संबंधित थे। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए पेपर किस हिसाब से, उस हिसाब से अपनी स्मार्ट रणनीति के साथ आगे की तैयारी कीजिए। और इस चैनल पर जितने भी हो सकेंगे राजस्थान जी के साइंस हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को।